इन क्या फुटबॉल टीम में दो वर्दियाँ हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही वर्दी है। आप दूर से पहचानते की है क्या? चूँकि बिरावी अदब जो है वो इसकी फोक शायरी फोक लिटरेचर कर रहा है और ये खाना बदोश रहे हैं। नए इन पे आते जाते कोई ताजर अपने साथ कोई लिटरेचर लेकर आए इनके पास, ना कोई और ऐसे तहजीब तमदन के दायरे में करीबी रहे हैं। इनकी अपनी तहजीब अपनी तमदन रही है, तो इनका लिटरेचर दूसरों के मुकाबले मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि महदूद भी है और महफूज भी है और नुमाया भी है। उसकी वजह ये है, आप जब असर की बात करते हैं, असरी तकाजों की बात करते हैं, तो उसका जो आज से 400 साल 500 साल पहले जो मौरा कहा गया है वो आज भी एज इट इज़ ऐसे ही आलात पे फिक्स है। इनके यहाँ जो है अफगानिस्तान में जो आलात पैदा हुए 79 से फिर 21 से, वो तो आलात वहाँ के थे लेकिन उसके असरात तो यहाँ के अदीब पे भी हुए। और यहाँ का अदीब जो बलूचिस्तान का था वो पश्तून था, बलूच था, बरावी में लिखता था, वो सच बोलता था। अच्छा, सच बोलने में ये है कि सच बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो तो यही है। इनके यहाँ तो नामालूम पता चला उस मरने वाले को कि मुझे तो मालूम ही नहीं मुझे किसने मारा, लेकिन आपके बिरावी दानिश्वर को लिटरेचर के बंदे को पता है कि ये गोली कहाँ से आ रही है। और ये बिल्कुल वो पंजाबी फिल्मों वाली नहीं है गोली, जो शान एक फिल्म में जो कश्मीरी मुजाहिद है तो एक गोली आती है इस तरफ से तो वो सलाम करता है, इस तरफ गोली चली जाती है, दूसरी गोली इस तरफ से आती है तो सलाम करता है। अच्छा, तीसरी गोली जब आती है सामने से वो यूं पकड़ के उसको वापस यूँ फेंक देता है। तो हमारे यहाँ वो लिटरेचर नहीं है, हमारे यहाँ वो अफसाने नहीं है, हमारे यहाँ वो ड्रामे नहीं है। जो इब्तदा में लिखा गया 1956 से गुलाम नबी राई जो पहला हमारा अफसाना निकाल है राबी के नाम से उन्होंने लिखा, वो उस वक्त जो उन्होंने लिखा वो आज तक वही लिखा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी, मैं चूँकि मेरे सामने तालिबान बैठे हैं तो ये जो हम असर की बात कर रहे हैं ना, ये जो दुनिया में तय है कि 52 टॉपिक्स हैं, 52 टॉपिक्स हैं जिन पे जो है लिखा जाता है अफसाने, शायरी, फिल्में, गीत जो भी है वो 52 टॉपिक्स के अंदर है, जिसमें दुख भी है, दर्द भी है, खुशी भी है, बगावत भी है, फ्रेब भी है और आपके जो है मफतूआत भी हैं, सब कुछ है उसमें। जो बावन है उसमें फिल्में भी बनती हैं, शायरी भी होती है, सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ असल में जो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम शुरू से जिस तरह चले आ रहे हैं इसी तरह चले आ रहे हैं, अब तक मौजूदा हालात तक वो याद है। और हमारे यहाँ एक की अदीब लिख रहा है उसके मुकाबले में दूसरा अदीब उसकी मुखालफत में नहीं लिख रहा है, बल्कि उसका मुखालिफ अदीब नहीं है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और बदकिस्मती ये है कि अगर हम आज दुनिया में रोते हैं कि जी हमारी जो इस खत्ते में जो तबाही है उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप अपने इल्म व दानिश से आपने फरार हासिल किया है, आपने अपने इल्म व दानिश को दानिश्वर को दीवार के साथ लगा दिया है। हो सकता है उसके सच को आप कबूल करते हैं और हो सकता है ये आलात ही ना होते। तो डॉक्टर साहब 82 में बिरावी अदब का बिल्कुल मुख्तसर, मतलब जो तहरीरी अदब है वो बहुत ही मुख्तसर है। 82 में ताजर एहसानी का अंजीर के पुल के नाम से जो उनके अफसानों का मजमू आता है, और इसी तरह 1987 में गुलबंगुरसई के जो है वो द्रेड़ों के नाम से नावल आता है, उसी साल जो है मेरा एक नामलेट शू के नाम से आता है। अभी हमारे इब्तदा है, उसके बाद तब तो बहुत सारे जो हमारे नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, बहुत सारे लिखने वाले हैं। अच्छा, उस वक्त भी हमारे पास जो तंगी थी, रिसालों की तंगी थी, अखबार की तंगी थी, कोई मीडियम नहीं था। उसके बाद भी हमें मीडियम नसीब नहीं हुआ, कुछ अरसे के लिए नसीब हुआ लेकिन वो भी बहुत जल्द रेडियो टीवी की सूरत में आया तो वो भी तबाह हो गया। आप एक बात सुन लें,
कि हमारे जितने अच्छे ग्रामी के राइटर थे उनके पास जगह नहीं थी छापने के लिए, तो उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। डॉक्टर ताज रेसानी, आपके मुल्क के बहुत बड़े ड्रामा निगार, एक ज़माने में उनका बड़ा नाम था, और आपका जो है आरिफ ज़िया, अफजल मुराद, इवन ज़फ़र मेराज, ये सारे वो हैं जो ग्रामी लिखने से उन्होंने इब्तिदा की और अफसाने लिखे इन्होंने और शायरी की उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ उस तरह से उनको जो है छापने के लिए माहौल या इनको अपना जो जो मुद्दा बयान करने के लिए वो जगह उनको नसीब नहीं हुई, तो वो फिर उर्दू की तरफ चले गए। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।